अच्छा अरे हेलो पापा। अंश I missed you so much. Anupama. Anupama, I missed you so much. Toshu bhai kahan hai? Ab wo किसी काम से कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन गया हुआ है। अधिक को भी लेकर आना चाहिए था ना। पापा नहीं आते, मम्मा और पापा साथ नहीं रहते। क्या क्या कहा? मम्मी शायद आपको पता नहीं है पर मैं और अधिक अलग हो चुके हैं। हाय यार, आई एम आल्सो कमिंग। व्हाट द हेल आर यू? पाखी दीदी, अंधी हो क्या? लुक व्हाट यू डिड। गॉट माय फोन। ऑब्वियसली मम्मी से मिलने आई होंगी। मम्मी की सगी बेटी जो है, धीरे धीरे मम्मी अपनी पूरी फैमिली को यूएस बुला लेंगी। पॉप्स की शादी कर रहे हैं तो मम्मी से बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। दिखाना चाहती होंगी कि वो भी अपनी फैमिली के साथ कितनी खुश है। घूर क्या रही हो तुम? तुम्हारे वजह से मेरा फोन टूट गया, यू इडियट। ओ हेलो, मेरा भी फोन ब्रेक हुआ है। अरे तुम्हारी गलती थी ना, तुम मुझसे टकराई थी, मैं नहीं। मैं जानबूझ के नहीं टकराई। और कितनी बदतमीज हो तुम, आपसे तो कम ही हो। दादू बचाओ, दादू बचाओ, दादू, दादू बचाओ, दादू बचाओ। आराम से भागो, इतना मत भागो, जब से भाग ही जा रहा है। हाँ, अपने दादू के पास आ ही नहीं रहे तू। हाँ, आई मिस्ड यू सो मच। अकेली सिर्फ तू नहीं है बेटा, कुछ लोग परिवार में होते हुए भी अकेले पड़ जाते हैं। एक छोटी सी मदद मांग रहा हूं, मन ना करे तो मना कर देना, क्योंकि और किसी से कह नहीं सकता और ना कोई और मदद कर सकेगा। एक मिनट, शू, आप इसे क्यों सॉरी बोल रही हो? ये सॉरी डिजर्व नहीं करती। ये क्या, इनसे कोई भी जुड़ा इंसान सॉरी डिजर्व नहीं करता। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरों को हर्ट करना जानते हैं। सॉरी तो इन्हें बोलना चाहिए, बिकॉज़ इनकी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है। पागल हो क्या? ऐसे बात कर रही हो जैसे पता नहीं कितने सालों से जानती हो मुझे। यहाँ नहीं आना था, आई हो तो मेरे रास्ते में मत आना वरना। ओह माय गॉड, शी नीड्स ट्रीटमेंट। मुझे लगता है कि फोन से ज्यादा ना इसके दिमाग में चोट लग गई है। टेक हर टू अ डॉक्टर। डंप यू आद्या। Stop it. मैंने कितनी बार कहा कि बड़ों के साथ ऐसे बिहेव नहीं करते। कंट्रोल योरसेल्फ। Cheers. Cheers. इतने जमाने बाद एक अच्छी चाय पी है। हाँ, एक घूट में सारा जेट लैग वेट लैग सब निकल गया। अकेली सिर्फ तू नहीं है बेटा, कुछ लोग परिवार में होते हुए भी अकेले पड़ जाते हैं। कैसे हो काव्या? अच्छी हूं, लेकिन तुम्हें देखकर बहुत खुश हूं। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ फिर भी आज तुम अपने पैरों पर खड़ी हो। आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड ऑफ यू अनुपमा। थैंक यू। हाँ मम्मी, आपकी जर्नी जितनी टफ रही है आपकी स्टोरी उतनी ही इंस्पायरिंग है। और तुम दोनों की स्टोरी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।